तो अभी हो चुका है एक कांड हमारे साथ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:14। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। तो अभी नहा वहाँ के खाना पीना खा के हम रेडी हैं और आज का शेड्यूल कुछ इस तरह से कि अभी हमारे पास दो लोकेशन आ चुका है, वहाँ पे जाना है, सामान उठाना है, उसके बाद फिर आना है घर पे, फिर जाना है एक तीसरे लोकेशन पे, वहाँ पे जाके फिर रिटर्न हम आ जाएंगे घर पे और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। वाह, ये पूरी गाड़ी का जो है सामने का बम्पर, मर्डर गार्ड, मतलब आगे पीछे का पूरा गाड़ी का सामान इधर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे रूम में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और ये है मर्सिडीज जीप वाली जो मॉडल आती है, जो लगता है सेम डब्बे की तरह, उसका सामान है यहाँ पे पूरा, मतलब जो भी 100 पीस होता है आगे का पीछे का मर्डर गार्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा चीज़ यहाँ पे है। अब ये लगेगा गाड़ी में, कब लगेगा पता नहीं, जब लगेगा दिखा देंगे। तो आपसे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने अगर पिछली वीडियो देखा होगा या फिर अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हो ब्लॉग को, तो आपको पता होगा कि कभी कभी हम एंडिंग नहीं कर पाते, ब्लॉग छोटा भी हो जाता है। तो क्या होता है कि हम ना ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा चीज़ होता है ना कि हम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, पेनल्टी आ जाता है, मतलब बाहर क्या करें, हम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 500 रियाल का पेनल्टी है फ़ोन यूज़ करने पर, और 500 रियाल का मतलब 10,000 रुपये हो गए इंडिया का। तो हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम डेली 500-500 रियाल के पेनल्टी झेल सकें। अभी मेरा दोस्त है ना सलमान, उसका 500 रियाल का आया है, वो फ़ोन में बात कर रहा था या फिर कुछ कर रहा होगा चैटिंग वेटिंग का, तो उसका 500 रियाल का 2 दिन पहले पेनल्टी आया है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। सेटअप हम करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से कैमरा फिट करा जाए अपने कार में, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि उसका सामान जो है ऑनलाइन में ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। थोड़ा जुगाड़ उगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको थोड़े से यहाँ पे रोड के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता है कि जो चीज़ आप देखने के लिए आ रहे हो हमारे व्लॉग में वो आपको देखने को नहीं मिल रहा, इसके लिए आई एम सॉरी। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। तो मैं ये कोशिश कर सकता हूँ थोड़े से पिक्चर वगैरह शेयर करके उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की, या फिर और भी तरह से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन छोड़ो इन सब बातों का, अभी जाना है हमको ड्यूटी, मैंने आपको पहले ही शेड्यूल बता दिया, 2 लोकेशन पे जाना है, वहाँ से सामान पिकअप करना है, उसके बाद हमको 3रे लोकेशन पे उसको डिलीवर करना है। रात को हमने कुछ कपड़े धोए थे और हमने इस्त्री नहीं करा था, तो अभी हमने एक कपड़े को इस्त्री करके पहन लिया है। यहाँ पर हमारा इस्त्री है और यहाँ पर हमारा टॉवेल है और यहाँ पर हमारा कपड़ा है जो कि हमें इस्त्री करना है। तो अभी हम जब ड्यूटी से आएंगे उसके बाद फिर इसको हम इस्त्री कर लेंगे। बहुत ही बुरा एक्टर हूँ मैं, बहुत ही बुरा। ओह हाय, गर्मी, बहुत ही ज्यादा गर्मी। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतनी ही देर हुआ हो देखो गर्मी, पसीना आना शुरू हो गया। गाड़ी के अंदर 44 डिग्री आउटसाइड दिखा रहा है लेकिन अंदर तो 50 डिग्री से भी ऊपर होगा मुझे लगता है ऐसा। एसी चालू कर लेते हैं भाई, एसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। गाड़ी हमने साफ नहीं की आज, पर लोकेशन चालू करना था मैंने तो किया ही नहीं, किधर जाना है पता ही नहीं। कभी कभी हम नए जगह जा रहे होते हैं और हमें लोकेशन से जाना होता है तो हम क्या करते हैं, लोकेशन ना चालू करके बहुत ही बड़ी गलती कर देते। तो अभी हमने वही किया, पहले अगर चालू कर लेते तो थोड़ा सा दूर नहीं जाना पड़ता, अभी हमको करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, मतलब घर के पीछे से ही रास्ता है, वहाँ से जा सकते थे हम, लेकिन नहीं, हमको तो ब्लॉग बनाना था तो
ब्लॉग बनाते बनाते आप लोगों से बात करते करते थोड़ा सा गलत रूट ले लिया, न्यूटन लेके उधर जाना है। बेसिकली अगर इधर कोई रहता है तो उसको पता होगा मुझे जाना है मलिक अब्दुल्ला रोड पे। मेरे घर के पीछे से ही एयरपोर्ट वाला रोड मिल जाता है और वो डायरेक्ट चले जाता है उस रोड में, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा उल्टा आ गया मैं, तो यहाँ से यूटर्न लेके जाना पड़ेगा भैया। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। गाड़ी के अंदर से बाहर रिकॉर्ड करे या ना करे यही सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ बाहर का रिकॉर्ड करूँ, कहीं कैमरा आ गया तो भाई लग जाएंगी अपनी, और ना करूँ तो बुरा भी लग रहा है। इस सिचुएशन में क्या कर सकता है आदमी, कमेंट करके बताना। काश मैं बाहर का रिकॉर्ड कर पाता और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा पाता तो बात ही कुछ अलग होती। क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं है, हर जगह कैमरे लगे यहाँ पे जो रोड के लिए डायरेक्शन बताता है, होर्डिंग लगी होती है ना रोड के ऊपर, उसके ऊपर कैमरा लगा के रखे होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर मोबाइल करूँगा, मतलब जहाँ से इस टाइम पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो समझ लो अपनी तिल लग गई, लगनी है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इस साइड बहुत ही बड़ा प्ले ग्राउंड है यानी कि पार्क है, और मैं इधर 2-3 बार आ चुका हूँ भाई, बहुत ही मस्त है, ऑसम, एकदम ऑसम। ये हमने बाहर से नहीं दिखाया, आपको दिख ही गया होगा, गाड़ी के डिस्प्ले में दिखाया था क्योंकि इसमें मैप चालू रहता है। तो पहले लोकेशन पे हम आ चुके हैं, लेकिन लोकेशन थोड़ा गलत है, हो सकता है या फिर पीछे हो घर या थोड़ा सा इधर उधर हो। तो फ़ोन नंबर हमारा उसके पास भेज दिया गया है, वो अभी हमारे पास कॉल करेगा, उसके बाद पता लगेगा कि वो घर है या फिर शॉप है। घर होगा तो पीछे होगा क्योंकि हम शॉप के सामने खड़े हैं। यहाँ पे जो लोकेशन मुझे मिला गया है ये है बार्बर शॉप, तो बार्बर शॉप तो नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि लोकेशन थोड़ा सा गलत है और वो फ्रंट साइड शो कर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा बैक साइड आई थिंक, क्योंकि एक बार मैं यहाँ आ चुका हूँ तब भी लोकेशन वही दिखा रहा था, तो हो सकता है वही लोकेशन दोबारा भेजा हो, ये हो सकता है। तो अभी हो चुका है एक कांड हमारे साथ और यू टर्न करके बात करता हूँ। तो कांड ये हुआ है कि हम जिस लोकेशन पे आए थे उसका ऑर्डर है 7:00 PM, लेकिन मैं अभी आ गया, अभी इधर बज रहे 3, वो आदमी बोल रहा है कि मैं अभी ऑर्डर नहीं दे सकता, पहले बात करो होटल वाले से फिर हम ऑर्डर देंगे। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, बात किया मैडम से, बोला तो बोली ठीक है छोड़ो जाने दो, दूसरे वाले लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ से भी जो भी ऑर्डर है लेके आते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला ऑर्डर जो हमने पिकअप कर लिया है,